ये देखिए गाइस, हमारी इंदौर की शाही सिकंजी देखिए कितनी प्यारी लग रही है और कितनी टेम्पटिंग। बिल्कुल इजी ढंग से बनाया, सिर्फ 10 मिनट में। तो देखिए ये ट्रिक हमने कैसे बनाई है, और प्लीज सिकंजी सुनकर आप भाग मत जाइएगा, क्योंकि ये इंदौर की शाही सिकंजी है, नॉर्मल सिकंजी की तरह नहीं है। तो आप ये वीडियो हमारा पूरा देखें। और हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस चलिए आज देखते हैं ये यूनिक सी रेसिपी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो सॉरी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, क्योंकि हम ये वीडियो नाइट में शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया भी है कि हमारे यहाँ शादी का सीजन, शादी का टाइम चल रहा है, इसी के तैयारियां हो रही हैं, इस वजह से तो हम ये नहीं दिन में शूट कर पा रहे हैं। तो थोड़ी सी समस्या समझिए आप लोग हमारी समस्या को, और वीडियो पूरी देखिएगा। ये देखिए हम इसमें अपना घर का जमा होममेड दही ऐड कर रहे हैं। 4 से 5 स्पून दही ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमको हांग कर्ण चाहिए बिना पानी का दही। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके ऐसे इसमें रख देंगे, तो ये जो पानी है इसका बिल्कुल से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं। चलिए ये देखिए गाइस, हमारी ये कुछ बादाम, और 10 से 12 बादाम है हमारी, और 10 से 12 काजू। ठीक है, तो हमने भिगो दिया। ये देखिए बादाम हमने कुछ छील कर भी रख ली हैं, जैसे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इसको इस तरह से छिलके को निकाल देंगे, बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे। और ये देखिए गाइस, हमने 10 से 12 किशमिश ले रखी हैं, इनको भी पानी में डाल के भिगो दिया था, तो ये 4 से 5 घंटे भीग गई हैं अच्छे से, तो ये मुलायम हो गई हैं। चलिए एक बात और गाइस देखिएगा, हम ये सब 1.5 ग्लास दूध से बनाएंगे। और देखिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इंदौर की जो प्रसिद्ध सिकंजी होती है बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा क्रीमी, और मतलब इतना अच्छा होता है उसका टेक्सचर। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं कि 1.5 ग्लास दूध में, क्योंकि ट्रेडिशनली जो बनती है वो दूध को गाढ़ा करके बनाई जाती है, और हम इसको दूध को कैसे गाढ़ा करेंगे ये सब हम इसका उपाय बताएंगे आगे। जिसके पास थोड़ा कम दूध है तो वो भी बना सकता है। तो ये देखिए, ये हमने छोटा सा जार ले लिया क्योंकि ये हमारा थोड़ा है। ठीक है, तो ये सारा हम आइटम इसमें डाल के इसका स्मूथ पेस्ट, स्मूथ नहीं मगर थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा 1.5 ग्लास दूध है। ठीक है, तो इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, आप देखिएगा। और ये देखिए पीस नहीं रहा अच्छे से है, ठीक, बहुत ज्यादा दर्द रहा है, तो इसमें हम 1/2 ग्लास दूध, थोड़ा सा, 1/2 ग्लास से भी 1/2 ग्लास दूध डाल देंगे, जिससे कि ये हमारा अच्छे से पिस जाए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारे कढ़ाई ले ली हमने, तो इसमें ये अपना फुल मिल्क दूध ऐड करेंगे, और इसको हम चढ़ाएंगे अपने फ्लेम पर। और ये देखिए गाइस, ये हमने दूध को गर्म कर लिया है, हल्का सा गुनगुना कर लिया है। तो देखिए इसके साथ हम क्या करते हैं, पहले अपने दूध को बॉयल करते हैं। ये देखिए गाइस, फुल फ्लेम पर हमने इस दूध को अपने डाल दिया है, जो कि हमारा 1 ग्लास दूध था। और देखिए आप देख सकते हैं कि हमने मलाई सहित दूध लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से बॉयल होने देते हैं, तब तक दूसरा प्रोसेस करते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। ये देखिए गाइस, जो ये हमारा गर्म दूध था उसमें ये हम दूध पाउडर ऐड करेंगे, ये हमारा 1/2 कटोरी दूध पाउडर है। ठीक है, तो इसको हम इसमें धीरे धीरे घोल लेंगे, बिना, जिससे कि बिल्कुल गांठे आठे ना पड़े। ठीक है, ये देखिए गाइस, हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ गांठे लग रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए अभी हम मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये जो हमने पेस्ट पीस कर रखा है इसी में इसको हम ऐड करेंगे सारे को, सारा को, और इसको एक बार और हम ब्लाइंड कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसकी गांठे भी फूट जाएंगे और सब इसी में आ जाएगा। और एक चीज गाइस, वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट में एक और ऑप्शन देंगे कि आपके पास अगर मिल्क पाउडर भी ना हो तो किस चीज का प्रयोग करें। ये देखिए गाइस, ये स्पून पर जो लगा है उसको छोड़ के एक पास से दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, बिल्कुल गुठली फ्री, कांटे फ्री, एकदम स्मूथली हो गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। देखिए गाइस, इसमें 2 से 3 स्पून हमने पानी ऐड कर लिया है, और फिर से एक बार ब्लाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफी मिल्क लगा रह गया है। ये देखिए सारा छुप के आ गया, तो इसको हम अपने इसी दूध में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए गाइस, 5 मिनट हुआ है, बॉयल आ गया अच्छे से दूध में, और ये जो हमारा सेक है इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए तिखरा हुआ कटोरी में कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, इसको भी हम
बॉयल कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। ठीक है, इसको बॉयल करते हैं। ये देखिए गाइस, हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, देखिए हल्दी सबके घर में होती है। ठीक है, और इसी कलर देखिएगा कितना अच्छा आ जाए, और हल्दी का फ्लेवर भी नहीं आएगा। और एक बार गाइस, अगर आपके पास फूड कलर है, ये नारंगी कलर है, आपके पास येलो हो तो आप येलो डाल दीजिएगा, और अगर केसर हो तो इसी गर्म दूध को थोड़ा सा निकालिए, केसर के धागे भिगो दीजिए और डाल दीजिए। और केसर इसलिए नहीं हमने डाला क्योंकि अक्सर करके घर में, सबके घरों में केसर नहीं होता, इसलिए हमने ऑप्शन में हल्दी बताया। इससे बिल्कुल महक भी नहीं आएगी पकाने से। ठीक है, ये हमारा पक चुका है। ठीक है, और एक चीज गाइस, अगर आपके पास दूध पाउडर नहीं है तो आप इस तरह से कस्टर्ड पाउडर आता है उसको घोल के, जैसे हमने मिक्सी में दूध, मतलब दूध पाउडर घोला था, उसी तरह से आप कस्टर्ड पाउडर घोल कर डाल सकते हैं। हमने दूध पाउडर ऐड किया हुआ है। और एक बार गाइस, अगर दूध पाउडर आप व्रत में खाते हो तभी ये व्रत में बना सकते हैं, और चिकन जी नहीं तो आप दूध ही, अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप दूध ले लीजिए और उसमें हल्दी मत डालिएगा। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल खाने के लिए आप हल्दी भी डाल सकते हैं और दूध पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 2-3 स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम पिघला लेंगे। ये देखिए गाइस, शुगर हमारी है मेल्ट हो चुकी है, तो इसको बंद करेंगे और इसी कढ़ाई में इसको रखा रहने देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही उतार के फ्लेम से रख लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे हल्का। ठंडा होने के बाद अच्छे से फ्रीजर में, जल्दी है आपको तो फ्रीजर में रख दीजिए, और अगर ठीक ठाक टाइम है आपके पास तो आप फ्रिज में रखिए। इसको बिल्कुल चिल्ड करके सर्व करते हैं, तो इसको ठंडा करते हैं फिर सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, 2 से 2.5 घंटा हो गया है, तो हमारी बढ़िया चिल्ड हो गई है। तो ये जो हमारा दही था जो हमने बांध कर रखा था कपड़े में, उसको ऐसे कर लेंगे इस तरह से, और अब हम अपनी सिकंजी में की ग्लास में डाल देंगे इस तरह से। और दही खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये देखिए चिल्ड सिकंजी, इसको इसमें हम फिल करेंगे इस तरह से। अब इसको गार्निश करेंगे, तो हम अपने मन चाहे हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। इस पर कुछ थोड़ा सा हमने दही ऐड कर दिया है ऊपर से, जिससे कि हमें दिखने में और अट्रैक्टिव लगे। और ये देखिए बादाम को हमने ऐसे स्लाइस कट कर लिए, ये देखिए इस तरह से लंबी लंबी, इनसे हम गार्निश करेंगे इसको। अपने मन चाहे आकार से आप गार्निश कर सकते हैं इस तरह से। किशमिश ये देखिए ड्राई फ्रूट में, ये देखिए इस तरह से। और एक मिनट, हमने जो भिगो के किशमिश रखी थी आप उनसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि हमने, ये देखिए इस तरह से, ये हमें ज्यादा डालनी है क्योंकि अंदर भी हमारे मिल जाए इसके। ठीक है, और ये कुछ इलायची के दाने जो कि हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से, ये देखिए गाइस, ये हमारी रेडी है बन के सिकंजी, इंदौर की फेमस सिकंजी, इतनी प्यारी और इतनी यमी, और सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी हुई है ये सिकंजी। आप खुद देखिए, क्योंकि हम अगर 1 लीटर दूध लेते हैं तो उसको जलाने में करीब आधा घंटा लग जाता है, उसको गाढ़ा करने में आधा घंटा लग जाता है, तो इस वजह से। अब जैसा कि लास्ट में हम टिप देते हैं, वो टिप देंगे। देखिए सिकंजी को बनाने के लिए आप जब करते हैं तो दूध, 1 ग्लास दूध फुल फैट वाला लीजिए, और 1/2 ग्लास दूध गुनगुना करिए, उसमें दूध पाउडर अच्छे से घोल लीजिए। अगर आप कस्टर्ड पाउडर डालते हैं तो वो भी अच्छे से घोल लीजिए, गांठे ना पड़े, लंग्स फ्री रहे, और फिर उबलते हुए दूध में उसको डालिए। और बाद उसके बाद में जब बादाम और डालते हैं ना, तो उसको बराबर रेगुलर चलाते रहें, छोड़े बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें काजू पड़ा होता है और दूध पाउडर होता है, तो तली में चिपक सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। और दही जो डालते हैं उसको, जो हमारी सिकंजी हमने बना के रखी है गाढ़ी, तो उसको दही को जब डालें, जब हमारा सिकंजी हमारी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसमें दही डालें, वरना हमारी सिकंजी खराब हो जाएगी। तो इसको ठंडा करें
फिर दहेज में ऐड करें और बिल्कुल चिल्ड ठंडी ठंडी इसको सर्व करें। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, इंदौर की शाही रेसिपी, शाही शिकंजी, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।